अरुण जेटली का सियासी सफर। 2018 में यूपी से चौथी बार राज्यसभा सांसद चुने गए। 13 मार्च 2017 से 3 सितंबर 2017 तक रक्षा मंत्री रहे। 27 मई 2014 से 14 मई 2018 तक वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। 2 जून 2014 राज्यसभा में नेता सदन बनाए गए। 9 नवंबर 2014 से 5 जुलाई 2016 तक केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री रहे। 2012 में अरुण जेटली तीसरी बार राज्यसभा के लिए चुने गए। 3 जून 2009 से 26 मई 2014 तक राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे। अप्रैल 2006 में दूसरी बार राज्यसभा सदस्य चुने गए। 29 जनवरी 2003 से 21 मई 2004 तक कानून और न्याय मंत्री रहे। 7 नवंबर 2000 से 1 जुलाई 2002 जेटली को कैबिनेट में शामिल किया गया। अप्रैल 2000 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। 1999 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए। 1991 में अरुण जेटली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने। जनवरी 1990 में दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बने। 1975 में आपातकाल का विरोध करने पर मीसा कानून के तहत 19 महीनों के लिए हिरासत में लिए गए। 1974 में दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। 1970 में बीजेपी की यूथ विंग एबीवीपी में शामिल हुए। 1973 में भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शुमार थे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।